नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्क ब्रेक के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लेआउट। तो यह जनरल लेआउट है, यह साइड फ्रंट साइड है और यह साइड रियर साइड है और यहाँ पे फुट ब्रेक पेडल है। तो जब हम फुट ब्रेक पेडल पे फोर्स देंगे तो मास्टर सिलेंडर में जो भी फ्लूड रहेगा वह फ्लूड फ्रंट के टू व्हील को और रियर के टू व्हील को जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि फ्रंट के जो व्हील है वहां पे डिस्क ब्रेक लगाया गया है और यहाँ पे यह जो है रियर व्हील वहां पे ड्रम ब्रेक लगाया गया है। तो जनरली डिस्क ब्रेक जो है वो फ्रंट व्हील पे अटैच किया गया है। तो अभी हम डिस्क ब्रेक डिटेल में देखेंगे। यहाँ डिस्क ब्रेक की बहुत ही सिंपल फिगर दिखाई गई है। यहाँ पे यह जो है यह डिस्क ब्रेक है और डिस्क ब्रेक व्हील को कनेक्टेड है। तो व्हील लगभग ऐसा रहेगा, यहाँ पे कनेक्टेड टू डिस्क ऐसा रहेगा। जब भी व्हील रोटेट होगा तो डिस्क रोटेट होगी। तो डिस्क और व्हील यह नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट यूज करके अटैच किया गया है। तो अभी यहाँ पे जो यह डिस्क बिठाई गई है वह व्हील कैलिपर के अंदर है। तो यह जो पार्ट है, यह पार्ट उसको व्हील कैलिपर बोला जाता है। यहाँ पे यह डिस्क भी कंटिन्यूसली रोटेट होगी। तो यह जो लाइन है यह मास्टर सिलेंडर से आई है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ मास्टर सिलेंडर से जो लाइन आई है वो कैलिपर पे जाएगी। तो ये जो लाइन है वो मास्टर सिलेंडर से आई है और वहां पे दो व्हील सिलेंडर के पास आई है, या उसको हम बोलते हैं ब्रेक सिलेंडर। अभी ब्रेक सिलेंडर का इंटरनल डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर है। यहाँ की जो फ्लूड लाइन है ऑरेंज कलर से दिखाई गई है, वो फ्लूड यहाँ पे है। ब्लू जो कलर है वो पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर फ्रंट साइड पे पिंक कलर फ्रिक्शन मेटल अटैच किया गया है। तो पिस्टन को फ्रिक्शन मेटल अटैच किया गया है, यहाँ पे फ्रिक्शन मेटल है और फ्लूड के कारण ये आगे और पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल फिगर अगर आपको देखनी होगी तो यहाँ एक्चुअल फिगर है डिस्क ब्रेक की। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह इस पार्ट जो है, यह जो पार्ट है उसको हम कैलिपर बोलते हैं और यह कैलिपर फ्लूड से कनेक्टेड है। तो फ्लूड जो है ब्रेक फ्लूड यहाँ पे आएगी और वो डिस्क को ऑपरेट करेगी। आपको आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्क पर बहुत छोटे छोटे होल है, तो यह होल हीट डिसिपेट ही बाहर निकालने के लिए दिए गए। बहुत बार स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि होल किस लिए, या इस होल का कोई दूसरा उपयोग रहेगा कैलिपर में, लेकिन दूसरा कुछ भी उपयोग नहीं है इसका। ओनली हीट डिसिपेशन के लिए ये यूज किया जाता है। तो यह जो है इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन है और यह जो डिस्क है यहाँ पे साइड व्यू से हमें ऐसे दिखेगी। तो अभी यहाँ पे यह जो डिस्क है, जब भी व्हील रोटेट होगा तो डिस्क रोटेट हो गया और यहाँ पे अभी फ्रिक्शन मटेरियल और डिस्क में गैप है, मतलब डिस्क कंटिन्यूसली रोटेटिंग है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जब मैं यहाँ पे ब्रेक पैडल पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो फ्लूड जो है फ्लूड आएगी कैलिपर में और कैलिपर में फोर्स देगी। तो ये जो फ्लूड आएगा, यह फ्लूड कैलिपर में आके इन दोनों पिस्टन पे, दूसरे पिस्टन की यह जो पार्ट है और यह जो पार्ट है, यहाँ पे फोर्स देगी और फोर्स देने के बाद दोनों पिस्टन सेंट्रली मूव होगी। सो सेंटर की ओर मूव होगी। तो आफ्टर सफिशियंट डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ जो फ्रिक्शन मटर है वो डिस्क के कॉन्टेक्ट में आएगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन मटर वो डिस्क के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। जब ये डिस्क के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वहां पे फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन के कारण डिस्क का रोटेशन स्टॉप होगा। जब मैं फ्लूड का प्रेशर रिलीज करूंगा यहां से, तो रिलीज होने के बाद ये जो दो ब्लू कलर के पिस्टन है वो बैक साइड जाएंगे स्प्रिंग की वजह से, और बैक साइड होने के बाद यहां पे गैप तैयार होगा और गैप के वजह से यह फ्री डिस्क और एक बार रोटेट होने के लिए तैयार है। तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो डिस्क पर ये फ्रिक्शन मटेरियल आ जाएगा और डिस्क स्टॉप होगी। जब मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये डिस्क कंटिन्यूसली रोटेट होगी फ्रीली। तो यहां पे मैं और एक फिगर दिखाता हूं जहां पे हम डिस्क ब्रेक की वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे। यह जो है यहां पे ब्रेक पैडल है, उसके बाद यहां बूस्टर है। जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कम करने के लिए हम बूस्टर यूज कर सकते हैं। यह ब्रेक पैडल बूस्टर है, बूस्टर के बाद ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर में ये फ्लूड रहेगा येलो कलर का। यह जो है फ्लूड लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो दो है उसको हम ब्रेक पिस्टन बोलते हैं। ब्रेक पिस्टन के फ्रंट को यहाँ पे
फ्रिक्शन मटेरियल या उसको ब्रेक पैड भी बोल सकते हैं। ये जो डिस्क है पर्पल कलर की, वह डिस्क व्हील को कनेक्टेड रहेगी, तो जब भी व्हील रोटेट होगा तो डिस्क भी रोटेट होगी। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जब भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ का जो फ्लूड है तो अंदर आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा। यहाँ पे ऑक्यूपाई होने के बाद यह अप्लाई करेगा फोर्स ब्रेक पिस्टन पे, और फोर्स अप्लाई होने के बाद फ्रिक्शन मटेरियल अगेंस्ट डिस्क ब्रेक रब करेगी, और जब भी अगेंस्ट डिस्क ब्रेक रब करेगी तो रोटेशन ऑफ डिस्क स्टॉप होगा और व्हील भी स्टॉप होगा। जब मैं यहां से फोर्स रिलीज करता हूं तो क्या होगा, ये जो ब्रेक पिस्टन है वो बैक साइड जाएगी, यहां पे गैप तैयार होगा और फिर डिस्क रोटेट होना चालू होगी। जब मैं वंस अगेन फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये फोर्स अप्लाई होने की वजह से डिस्क स्टॉप करेगी। इसके बारे में एक छोटा एनिमेशन आपको दिखाऊंगा यहां पे क्लियर हो गई। यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स अप्लाई करने के बाद फ्लूड यहां पे आ जाएगा। यह कैलिपर है, अभी यहां दिखाया गया है, यह जो है वर्टिकल वो डिस्क है और डिस्क कनेक्टेड रहेगी व्हील को, तो यहां पे कनेक्शन आके यहां पे व्हील को कनेक्टेड रहेगा। जब भी मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो फ्लूड आगे आके यहां पे ऑक्यूपाई होगा और पिस्टन फॉरवर्ड मूव होगा। जब भी पिस्टन फॉरवर्ड मूव होगा तो फ्रिक्शन मटेरियल जो येलो कलर से दिखाया गया है वो फ्रिक्शन मटेरियल भी फॉरवर्ड मूव होगा और वो ये जो डिस्क है डिस्क पे रब पर गया रब करेगा और डिस्क स्टॉप होगी। यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू आप देख सकते हैं, तो मैग्नीफाइड व्यू में द पिस्टन जो ब्रेक पिस्टन है उसका मूवमेंट हम देख सकते हैं। यहाँ पे यह डिस्क है और यहाँ पे फ्रिक्शन मटेरियल है, तो यह बैक और फोर्थ मूव होगी, तो इसका मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो डिस्क ब्रेक है वो अर्जेंट ब्रेकिंग के लिए यूज की जाती है और जनरली फ्रंट व्हील पे अटैच किया जाता है। इसका यूज हम टू व्हीलर में देख सकते हैं, फोर व्हीलर कार या जीप में देख सकते हैं। जनरली यह जो डिस्क ब्रेक है वो फ्रंट व्हील पे अप्लाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।